और रात को मैंने अपना जैकेट धोया था। मैंने कहा कि जैकेट इतना कुछ गंदा नहीं हुआ है तो धो दूँ। धोने के बाद मैंने उसको अपना यहाँ पे रखा तो यहाँ पे कल -6 डिग्री हुआ, अब पूरा बर्फ। देख रहा बड़ा जम गया। मेरे को लगा क्योंकि जैकेट है इतना गंदा नहीं है, साफ़ सुथरा नहीं है, तो धो के ऊपर टांग दूँ। और उसका सुबह जब मैंने चेक किया तो पूरा ये पूरा बर्फ बन गया पूरा। देखो ये जो पानी है आइस बन गया यहाँ पे। मेरे को लगा ये, और इतना कड़क हो गया है, मैं आपको दिखाता हूँ, कड़क टाइट हिल ले रहा है, कम से कम हैवी हो गया। कल इसको भी धोया था मगर ये यहाँ पे रखा था तो ये नॉर्मल है, क्योंकि खिड़की सब बंद है, खिड़की यहाँ पे सब बंद है। वहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक, क्योंकि पानी सब निकल जाए इसके लिए, अब पूरा पूरा टाइट पूरा लकड़ी बन के। अब जाके धूप आई है, ये देखो ये आइस, पूरा आइस। धूप में रखा हो तो होप सब निकल जाएगा। ये पानी पूरा आइस जम गया। बाय 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 बाय। -2 डिग्री सेल्सियस है और टाइम हुआ है 9:30। तो चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ मौसम क्या क्या करवाता है, और कपड़े लोगों के आप मैं दिखाऊंगा। -2 डिग्री और 9:40 हो चुके हैं। अपनी अपनी बॉडी को सेफ्टी के लिए डॉग ने भी कपड़े पहन लिए ठंडी के, ठंड इतने। चलते हैं, मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ। गाल देखो लाल हो गए सब। ये वांडा के पीछे का रोड है, लोग आ रहे हैं और आज ऐसा लग रहा है कि और 31st नाइट है तो लोग निकल रहे हैं, ये शॉपिंग कर रहे हैं, उसके बाद सब घर जाएंगे। ये स्मॉल स्मॉल बच्चे लोग, डॉग डॉग ने भी कपड़े पहने हैं। ठंड इतनी -2 डिग्री सेल्सियस। और एक्चुअली क्या है, गाल पे इसलिए रेड होता है क्योंकि हवा इतना लगता है, हवा इतना लगता है, गाल अपने आप रेड, ऐसा लगता है कि किसने मेकअप किया हुआ है। और ये मॉल है, सब ठंडी के सामान बेच रहे हैं। और यहाँ पे खाने पीने का सामान है गरम गरम, जिसको जैसा लग रहा है वैसे वो ले रहे हैं। बारबेक्यू है, ये सब जितने ये वेज नॉन वेज सब बारबेक्यू है और उसके रेट है। ठंड में मज़े लेते हुए जैसे आलू भजिया और कांदे की भजिया, तो वैसे ये मिर्च, ये है फिश, फिश की भजिया, ये झींगा है और ये है चिकन, जो भी है। और ये तल रहे हैं भजिया को, तल रहे हैं फिश और मुर्गी की टांग, जो भी है ऐसा है। चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं ये वीडियो सिर्फ बना रहा हूँ कि यहाँ के जो ड्रेस कोड है ठंड के मौसम में, यहाँ का ड्रेस कोड कैसा चेंज होता है
लोग अपने अपने बॉडी को चेंज प्रोटेक्ट करने के लिए मोटे मोटे कपड़े, बड़े बड़े जैकेट्स ये सब पहनते हैं बच्चों के लिए। बस इतना है कि ये बच्चे को आप देखोगे इसका गाल कितना लाल हो गया है, क्योंकि क्या है आप उन गालों में कपड़े नहीं पहन सकते, सो सब लग रहा है कि कोई रेड कलर का पाउडर लगाया हुआ है, ऐसा है। और शाम का लाइक 9-10 बजने का है, -2 डिग्री है। लगता है ये नया नया दुकान खुला है, इसके लिए बलून वलून है जो भी है। ये भी चाइनीज स्टोर है, यहाँ भी कुछ भजी जैसा मिलता है, पकौड़े चलते हैं। आइसक्रीम के मजे लेते हुए यहाँ के दर्शक, और ये जो है गेम खेलने का है, गेम खेलो अपना अपना और गिफ्ट लेके जाओ उठा के, तब ऐसा ही गेम खेल रहे हैं। यहाँ पे स्पीकर लगा दिए और ये जो हो रहा है मुताले, और बीच बीच में यहाँ पे रख दिया है डस्टबिन जो लोग अपना खाए और यहाँ पे रख दे साफ सफाई। ठंड के कॉस्ट्यूम और कपड़े, हैप्पी न्यू ईयर, बस कुछ समय के बाद ये हैप्पी न्यू ईयर हो जाएगा। ये सूस ये है टैटो, इसका धंधा हो गया है बंद क्योंकि गर्मी के कारण कोई भी अपने कपड़े खोल के घूमेगा नहीं, तो इसलिए ये कपड़े ये दुकान बंद हो गए, बाकी खाने पीने की दुकान सब चल रहे हैं। सो ऐसे है, और ये मैं हूँ वांडा के पीछे, और ये वांडा को हो गया है 10 साल। सो इसका मैंने वीडियो बनाया था, आप जाके देख सकते हो, वांडा 10th एनिवर्सरी, तो अपने अपने स्टाइल से सेलिब्रेट किए थे। तो ऐसा है, ये आइसक्रीम की दुकान लग रही है, भीड़ भाड़ है, मैं तो खा लिया हूँ, खा के बस बाहर निकला हूँ। और ये बारबेक्यू है, बारबेक्यू लगता है ये नई दुकान खुली है इसके लिए, बलून बलून थोड़ा अट्रैक्ट करने के लिए, खाने पीने का सामान है। यहाँ पे हमेशा जितने भी अपने फिट रखने के लिए यहाँ पे आके डांस करते हैं, मैं भी एक बार बनाऊंगा इसका वीडियो, क्योंकि अभी फ़िलहाल है टाइम हो गया है, अदरवाइज़ उन लोग 5 बजे से आके 7 या 8 बजे लास्ट लाख डांस करते हैं। चलते हैं आगे की ओर। यह है मॉल, ठंड इतनी है कि यहाँ पे भी लगा दिया है कि बाहर का हवा अंदर जाए नहीं, चलते हैं अंदर। और ये जैसी ही ये है डिग्री, यहाँ पे अभी कोई आदमी नहीं है, अब जाओगे अंदर आपका तापमान चेक हो गया, आप सीधा अंदर, तापमान चेक हुआ आप सीधा अंदर। 2021年的对不对？2020年，他们好开心，在下面给他录视频，给他们拍照。
पे आइए, अपना मेकअप करिए, अच्छा लगा तो यहाँ पे सामान भी है, आप खरीद सकते हो। ये सब ठंडी के कपड़े हैं, कुछ गर्मी आने के बाद जैसी गर्मी आएंगी तो वैसे ही सब कपड़े के दाम ऑटोमेटिक सस्ता हो जाएगा। ये आप जो देख रहे हो, अगर आपकी मोबाइल की बैटरी लो हो गई है, आपकी बैटरी लो हो गई है तो आप यहाँ से आपका जो पावर बैंक लेके आप चार्जिंग कर सकते हो, मगर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा फैसिलिटी है, अगर आपका बैटरी लो हो गया है तो आप यहाँ से पावर बैंक उठा के चार्जिंग करके आप नेक्स्ट स्टेशन पे उसको आप डिपॉजिट कर सकते हो। जो उसका पैसा है, टर्म एंड कंडीशन है, जो भी रहेगा वो आपको फॉलो करना है। तो ऐसा है, ये बंद बटन दबा के लेना है चार्जिंग के लिए, तो ये मेरे को अच्छा लगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ एवरी डे कुछ ना कुछ एडवांस होता ही है देखने लायक। जिसको घर लेना है तो ये मॉल के अंदर ही अपना मस्त दिखा रहे हैं, ये वाले बिल्डिंग में जगह है, ये जगह है, यहाँ पे वाटर फ्लो है, तो बहुत ही शानदार। ये हाईवे है, यहाँ पे नदी है, यहाँ पे बिल्डिंग से मिस प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। ये हीटर लगाए हैं यहाँ के वॉचमैन ने, और इतने ठंड है, -2-3